महिला अधिकार जैसा शब्द भाजपा की डिक्शनरी में ही नहीं है। भाजपा राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर है और सजा की दर बहुत कम। जब बलात्कारियों को सत्ता का संरक्षण हो, महिलाओं के खिलाफ हिंसा का जवाब रोमियो स्क्वाड हो, वहां बलात्कार और हिंसा तो स्वाभाविक है। और यह हम नहीं कह रहे बल्कि आंकड़े बोल रहे हैं। भारत में हर 20 मिनट में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। 2019 भारत में हर दिन 88 बलात्कार के मामले सामने आए हैं। भारत में हर दिन 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। 2019 में लगभग 3,500 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। उत्तर प्रदेश में बलात्कार के सभी मामलों में से 18% पीड़ित दलित महिलाएं हैं। 2019 में बलात्कार के कुल 32,033 मामले आए हैं और 11% पीड़ित महिलाएं दलित समुदाय से हैं। निर्भया की घटना के बाद संख्या और भी खराब है। 2013-19 के बीच लगभग 2.42 लाख बलात्कार के मामले सामने आए हैं, यानी एक दिन में 95 बलात्कार, हर घंटे लगभग 4 महिलाओं का बलात्कार। और यह सब किसके राज में हो रहा है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा और मोदी जी ने न केवल महिलाओं के खिलाफ हिंसा का राजनीतिकरण किया, बल्कि बहुत हुआ नारी परिवार अब की बार मोदी सरकार के साथ एक धमाकेदार विज्ञापन अभियान की शुरुआत की। लेकिन आज वो सब चुप क्यों हैं?